हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरी चैनल शागुतस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही आसान, सिर्फ 10 मिनट में ही नाश्ते की रेसिपी, जिसका आप सुबह या फिर शाम को नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, केचप या फिर अचार के साथ भी परोस सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही आसान नाश्ते की रेसिपी। आधा किलो ले रही हूँ मैदा, जिसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून नमक या फिर स्वाद के अनुसार, 1/2 टीस्पून कटा हुआ काली मिर्च, 2 अंडे, आधा कप गाजर और कैप्सिकम बहुत ही पतले करके चॉप कर लिए हैं, आप चाहे तो ग्रेटर में ग्रेट भी कर सकते हैं, 2 प्याज चॉप की हुई और 2 हरी मिर्चें। अब इन सबको मिक्स करेंगे। और बहुत ही कम पानी ऐड करके पराठे की तरह नॉर्मल आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा ही तेल रख देंगे, इसको 5 मिनट बना लेंगे लोई। सूखा आटा या मैदा लगाकर बेल लेंगे, या फिर आप तेल लगाकर भी बेल सकते हैं। तवा को गर्म करके पराठा को दोनों तरफ से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। पहले 1 मिनट के लिए सेक लेंगे, उसके बाद पलट कर ब्राउन स्पॉट्स आ जाने तक पकाने के बाद ऐड करेंगे तेल और दोनों तरफ से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान नाश्ते की रेसिपी है, घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। एक ही तरह से और भी पराठे फ्राई कर लेंगे। केचप या फिर अचार के साथ परोसे, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसी बनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।